हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। दोस्तों, जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है जो बजट रेंज के स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ बातें। तो दोस्तों, जो बजट रेंज स्मार्टफोन हैं वो आज की डेट में काफ़ी मतलब कि कम बिक्री वाले स्मार्टफोन बन चुके हैं। दोस्तों, इसके पीछे कुछ काफ़ी बड़े बड़े रीजंस डिपेंडेंट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, जो हमारी जो मिड रेंज स्मार्टफोन है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन कंपनीज उसमें इन्वेस्ट कर रही है मिड रेंज प्रोसेसर को खरीदने के लिए और मिड रेंज स्मार्टफोन बनाने के लिए, जिस कारण कि दोस्तों ये देखने को मिला कि मिड रेंज में हर एक जो स्पेसिफिकेशन है वो इजीली प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्तों, जो इस कारण जो लोग हैं वो मिड रेंज की ओर ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मिड रेंज स्मार्टफोन और मिड रेंज की ओर बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, लेकिन फिर भी अभी भी मतलब कि बजट रेंज स्मार्टफोन कुछ कंपनीज बनाती है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मिड रेंज स्मार्टफोन नहीं खरीद पा रहे तो उन्हीं के लिए अब बजट रेंज स्मार्टफोन बन चुका है। लेकिन दोस्तों, आज से कुछ टाइम पहले जैसे कि 2018 में अगर बात की जाए तो जो मिड रेंज और बजट रेंज में बजट रेंज के स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बिकते थे। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा बात ये थी कि प्रोसेसर अच्छा था, रैम वगैरह अच्छी थी, कुछ मतलब कि जो भी कंपनीज अच्छी अच्छी कंपनीज है वो भी उस टाइप के स्मार्टफोन बनाती थी। लेकिन दोस्तों, जो अब कंपनीज है जैसे कि शाओमी है, रियलमी है, जो रेडमी है शाओमी का वो है, तो दोस्तों वो अब जो बजट रेंज स्मार्टफोन की बजाय जो आपका मिड रेंज स्मार्टफोन है उसको बना रही है। तो दोस्तों, जिस कारण कि अब स्मार्टफोन की कंपनीज भी इस टाइप आगे बढ़ चुकी है कि वो बजट रेंज स्मार्टफोन की बजाय मिड रेंज स्मार्टफोन बनाए। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा रीज़न है जो बजट रेंज स्मार्टफोन मार्केट में नहीं आ रहे इसके लिए। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए बजट रेंज स्मार्टफोन आज की डेट में किस टाइप के होने चाहिए और क्या स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों जो बजट रेंज स्मार्टफोन है वो जैसे कि आज की डेट में आप रियल मी 2 देखते हो तो दोस्तों उसमें 450 प्रोसेसर है। अगर आप 450 के बजाय किसी मीडिया टेक के हीलियो प्रोसेसर की ओर जाए तो उसमें आपको ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा देखने को मिलेगा आज की डेट में, अगर आप बजट स्मार्टफोन लेना चाहते हो। दोस्तों, बजट रेंज स्मार्टफोन का प्राइस भी लगभग जो आपका मिड रेंज स्मार्टफोन से थोड़ा ही कम है। अगर दोस्तों आप थोड़ा मतलब कि पैसा ऐड करके मिड रेंज की ओर जाओ तो आपको काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जो बजट रेंज है वो आज की डेट में अब लगभग ख़त्म ही होने के चांसेस ज़्यादातर है। लेकिन दोस्तों, फिर भी जो मीडियाटेक का प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा क्रुशियल रोल निभा रहा है उस स्मार्टफोन में और काफ़ी अच्छे से ही स्मार्टफोन को बना रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर स्मार्टफोन कोई प्रोसेसर ऐसे लीड करे जिस मार्केट में मतलब कि कभी मीडियाटेक का नाम ही नहीं था, तो वो अभी बजट रेंज स्मार्टफोन बना रही है सबसे बड़ी मतलब कि जो सबसे अच्छे से जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है वो प्रोसेसर अब बन चुका है जो बजट रेंज में काम कर रहा है। तो दोस्तों, वो काफ़ी बड़ी बात हो सकती है एक स्मार्टफोन के प्रोसेसर कंपनी के बारे में, क्योंकि दोस्तों जो अब स्नैपड्रैगन की बात करें तो वो मिड रेंज और जो आपका फ्लैगशिप और फ्लैगशिप किलर के लिए माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, फिर भी जो मिड रेंज है वो कहीं ना कहीं मतलब कि पावरफुल हो रहा है बजट रेंज के। और दोस्तों, आप अगर कोई भी स्मार्टफोन आज की डेट में लेना चाहते हो तो आपको मीडियाटेक, अगर आप बजट में हो या फिर आप स्नैपड्रैगन के लिए मतलब कि उत्सुक हो, तो आपको मिड रेंज स्मार्टफोन लेना चाहिए। दोस्तों, मिड रेंज स्मार्टफोन में अब आपको मतलब कि एक सबसे जल्दी मतलब कि फ्लैगशिप किलर के बाद जो भी स्मार्टफोन में आपको 5G देखने को मिलेगा वो आपको मिड रेंज स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये भी रीज़न हो सकता है कि कंपनीज अब जो उनका बजट रेंज स्मार्टफोन है उसको रिमूव करके जो न्यू बजट रेंज स्मार्टफोन होंगे उसको आप अब शायद से ही मतलब कि जो आपका मिड रेंज स्मार्टफोन मार्केट है उससे आप अब न्यू बजट रेंज स्मार्टफोन मार्केट समझ सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे मेरे चैनल बी टेक। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।